नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जेपी सिंह स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। और जैसा कि हमने आपसे बताया था कि जो हमारे 25 फरवरी होगी, इससे हमारे जो लेक्चर हैं वे आने शुरू हो जाएंगे। तो ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम अपनी फर्स्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। अब हमारा जो आज का लेक्चर है, सबसे पहले जो हमें इसमें देखना है वो हमें देखना है अपनी यूनिट नंबर फर्स्ट। और जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो हमारी है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो हम इसमें ये देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि सबसे पहले हमें इसमें मिला हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो हमारा सिलेबस है उसमें हम ये क्लियर कर चुके हैं, ये देख चुके हैं कि हमारे पास में एक हेडिंग है उसमें, जिसमें लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमें क्लियर करना है, उससे पहले हम समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्लियर करेंगे। और डेफिनेशन से पहले मैं आपको बता दूं, कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से ही पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें कितने वर्ड्स हैं हमारे पास में, 3 वर्ड्स हैं। एक हमारे पास में क्या है, कार्ब है। दूसरा हमारे पास में क्या है, ओ है। और तीसरा हमारे पास में क्या है इसमें, हाइड्रेट्स, या ऐसे समझिएगा कि कार्बन के हाइड्रेट्स। अब हाइड्रेट्स कौन होते हैं, हाइड्रेट्स वे होते हैं जिनमें ओ और एच प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास में बेसिकली वे वाले एलिमेंट्स होंगे जिनमें प्रेजेंट होंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आइए देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट्स आर नेचुरली ऑक्यूपाइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये नेचुरली ऑक्यूपाइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, किस किस के, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। एंड मे बी रिप्रेजेंटेड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। और ये क्या है हमारे पास में, इम्पोर्टेंट क्लास है किसकी, बायोमोलिक्यूल्स की। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे, ये हमारे नेचर में बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। नेचर में हमारे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास में ग्लूकोज होता है, या फ्रक्टोज होता है, या हमारे पास में माल्टोज होता है, सुक्रोज होता है, स्टार्च होता है, सेल्यूलोज होता है। ये सब हमारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। अब बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइन एज फॉलो। हम इसे इस वाली लैंग्वेज में अपनी लिख सकते हैं जो उनसे हमने डिफाइन किया है। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, या हम इसकी दूसरी टाइप से भी डेफिनेशन दे सकते हैं, और लार्ज पॉलीमेरिक मोलिक्यूल्स, या फिर ये लार्ज पॉलीमेरिक मोलिक्यूल्स होते हैं विच ऑन हाइड्रोलाइसिस याइल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। ठीक है, जो हाइड्रोलाइसिस पे बहुत सारी मात्रा में देते हैं किसे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स को और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को। बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वाली स्लाइड की। अब हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन जो होगा इनका हमारा, वो कितना होगा, टू टाइप से होगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखिएगा अपनी नेक्स्ट हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब क्लासिफिकेशन हमारा टू टाइप से होगा, एक हमारा होगा हाइड्रोलाइसिस के बेस पे और दूसरा हमारा होगा इनके जो इनका टेस्ट होगा उसके बेस पे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम वो वाला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो हमने बेसिस किया है, किसके बेसिस पे लिया हुआ है, जो हमने लिया हुआ है हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड आइदर अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस और ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। तो हम दो बिहेवियर है हमारे पास में, एक कौन सा है हाइड्रोलाइसिस का और दूसरा हमारे पास में कौन सा है टेस्ट का। तो पहले जो हम इसका बिहेवियर पढ़ने वाले हैं वो किसका पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, फर्स्ट बार में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हाइड्रोलाइसिस का। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिड्यूसिंग बिहेवियर। अब फर्स्ट वाला हम बिहेवियर पढ़ने वाले हैं इसमें ए पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस के बिहेवियर पर हम देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होंगे हाइड्रोलाइसिस के बिहेवियर पे, ये हमारे 3 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास में आ जाएगा मोनोसैकेराइड्स, दूसरे नंबर पर हमारे पास में आ जाएंगे ओलिगोसैकेराइड्स, और जो थर्ड नंबर पे हमारे पास में आ जाएंगे पॉलीसैकेराइड्स। अब बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स की। तो जब हम इनका हाइड्रोलाइसिस कराने की कोशिश करेंगे तो इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। किनका नहीं होगा,
मोनोसैकेराइड का। जब हम मोनोसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस कराने की कोशिश करेंगे तो इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद में हमारे पास में सेकंड नंबर पे होता है ओलिगोसैकेराइड्स। अब जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं इनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और इनके हाइड्रोलाइसिस से हमें 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड्स मिल जाते हैं। बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स की, तो जब इनका हाइड्रोलाइसिस हम करते हैं तो इनका हाइड्रोलाइसिस करने पर हमारे पास में बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होते हैं, मिल जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके थ्री टाइप्स को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। नंबर एक मोनोसैकेराइड्स है, नंबर दो हमारे पास में ओलिगोसैकेराइड है और नंबर थ्री हमारे पास में कौन सा है, पॉलीसैकेराइड्स। अब फर्स्ट वाले की बात करेंगे किसकी, मोनोसैकेराइड की। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। मोनोसैकेराइड्स आर दोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं क्या होते हैं, ये वे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स होते हैं विच कैन नॉट बी डीकम्पोज फर्दर बाई हाइड्रोलाइसिस टू गिव सिंपल कार्बोनेट्स। जब हम इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये सिंपल कार्बोनेट्स में ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक है, कैन नॉट बी डीकम्पोज, ये डीकम्पोज नहीं होते हैं किसमें, सिंपल कार्बोनेट्स में। अब इसके एग्जाम्पल हमारे पास में है, जैसे कि हमारे पास में फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है या फिर हमारे पास में राइबोज है। अब इसका हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है CH2O का होल एन, एन इक्वल टू 3-7, कुछ भी हो सकता है, एन का नंबर 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो हमारे होंगे ये क्या होंगे, हमारे मोनोसैकेराइड्स होंगे। चलिए एक बार इसके डेफिनेशन के नीचे जो लिखा हुआ है इसे भी क्लियर कर लेते हैं। दस मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स आर कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। जो हमारे पास में मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिन्हें हम हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, जिनका हम हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड्स इज CH2O का होल एन। जो इनका जनरल फॉर्मूला होता है ये हमारे पास में होता है क्या, CH2O का होल एन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास में, जैसे कि मोनोसैकेराइड्स है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है और राइबोज है। बात करेंगे किसकी, सेकंड वाले टाइप की। अब हम सेकंड वाले टाइप की बात करने वाले हैं, तो सेकंड टाइप जो हमारे पास में है वो है हमारे पास में ओलिगोसैकेराइड्स। अब ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि ओलिगोसैकेराइड्स का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और हाइड्रोलाइसिस होने पे इसमें मिलते हैं हमें 2 से 10 तक के हमारे पास में इसमें मोनोसैकेराइड्स इसमें हमें मिल जाते हैं। आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन हमारे पास में है, द कार्बोनेट्स विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव ए डेफिनेट नंबर 2-10 ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स। ये वे वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जब हम इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें 2-10 तक मिल जाते हैं इसमें मोनोसैकेराइड्स। इस टाइप के जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उन्हें हम क्या बोल देंगे, ओलिगोसैकेराइड्स। अब ओलिगोसैकेराइड्स के भी टाइप बनने शुरू हो जाएंगे, जैसे किसी का हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें कितने मिलेंगे, 2 मोनोसैकेराइड मिलेंगे, किसी के पे 3 मिलेंगे, किसी के पे 4 मिलेंगे, इस टाइप से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसी टाइप पे हमारे इनके जो हैं ये पार्ट बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। द मॉलिक्यूल ऑफ एन ओलिगोसैकेराइड्स इज मेड अप ऑफ ए डेफिनेट नंबर 2-10 ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स। जो हमारे पास में एक ओलिगोसैकेराइड्स होता है, ठीक है, इसमें डेफिनेट होते हैं 2-10 तक क्या मोनोसैकेराइड यूनिट्स। व्हेन द मॉलिक्यूल इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस इट ब्रेक टू याइल्ड दीज यूनिट्स। जब हम इसे क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं इस टाइप के सैकेराइड्स को, तो ये क्या काम करते हैं, ब्रेक हो जाते हैं याइल्ड दीज यूनिट्स, अपनी यूनिट्स में ये जो यूनिट्स हैं जिनसे मिलके बने हुए हैं उनमें क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट फर्सिड ऑन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, सॉरी फर्निस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस। क्या काम करते हैं ये, जिनसे भी बने हुए थे उन्हीं में क्या हो जाएंगे, ये डिवाइडेड हो जाएंगे कब, जब इनका हाइड्रोलाइसिस होगा। ओलिगोसैकेराइड्स कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। हम इन्हें जो हमारे पास में कैटेगरीज हैं इनमें डिवाइड कर सकते हैं, कुछ कैटेगरीज हमारी इनकी हमारे पास में है, जैसे कि डाइसैकेराइड्स है,
ट्राइसैकेराइड्स हैं, और ट्राइसैकेराइड्स के बाद में टेट्रासैकेराइड्स हैं। सबसे पहले डाइसैकेराइड की बात करेंगे। द कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव टू यूनिट ऑफ द सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स आर कॉल्ड डाइसैकेराइड्स। अब बात करें किसकी, डाइसैकेराइड्स की। तो डाइसैकेराइड्स वे सैकेराइड्स होते हैं जिन जो हाइड्रोलाइसिस में क्या देते हैं, टू मोनोसैकेराइड्स। अब ये दोनों के दोनों मोनोसैकेराइड्स, जो टू मोनोसैकेराइड्स हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, सेम या फिर डिफरेंट हो सकते हैं। द मोलिक्यूल ऑफ ए डाइसैकेराइड इज मेड अप ऑफ टू मोनोसैकेराइड यूनिट। अब जो डाइसैकेराइड्स का जो मोलिक्यूल है वो बना हुआ होता है किससे, टू मोनोसैकेराइड की यूनिट से। विच गेट सेपरेटेड, जो सेपरेट हो जाते हैं, व्हेन द मोलिक्यूल इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस, जब मोलिक्यूल हाइड्रोलाइसिस होता है। व्हेन कॉमन एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड आर सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज, इसके जो कॉमन एग्जांपल है डाइसैकेराइड्स के वे हमारे पास में ये वाले हैं, सुक्रोज है, माल्टोज है, और साथ में कौन सा है, लैक्टोज है। बात करेंगे इसके सेकेंड टाइप के, इसकी इक्वेशन देख लेते हैं पहले। तो सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस होने पर बन जाता है एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। अब इसके बाद में हमारे पास में इसका सेकेंड टाइप आने वाला है। सेकेंड टाइप हमारे पास में है इसका ट्राइसैकेराइड्स। अब ट्राइसैकेराइड्स की सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर करेंगे। ट्राइसैकेराइड्स की डेफिनेशन में हमने साफ साफ लिखा हुआ है कि ये बने हुए होते हैं किससे, थ्री मोनोसैकेराइड यूनिट से, और जब हम इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं किसमें, थ्री मोनोसैकेराइड यूनिट्स में। देखें, द कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव थ्री यूनिट्स ऑफ द सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स आर कॉल्ड ट्राइसैकेराइड्स। इसके नीचे जो नेक्स्ट थ्योरी है इसे भी हम क्लियर कर लेते हैं। द मोलिक्यूल ऑफ ए ट्राइसैकेराइड इज मेड अप ऑफ थ्री मोनोसैकेराइड यूनिट्स विच गेट सेपरेटेड व्हेन द मोलिक्यूल इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस। जब हम ट्राइसैकेराइड को हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा उन यूनिट्स में जिनसे ये मिलके बना हुआ है। अब ट्राइसैकेराइड किन से मिलके बना हुआ था, थ्री यूनिट मोनोसैकेराइड से मिलके बना हुआ था, तो हाइड्रोलाइसिस होने पर ये थ्री मोनोसैकेराइड यूनिट देगा। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ ट्राइसैकेराइड आर रेफिनोज, और इसका जो एग्जांपल है हमारे पास में वो कौन सा है, रेफिनोज है। फॉर्मूला हमारे पास में है C18H32O16 इज ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ ए ट्राइसैकेराइड। अभी हमारे पास में एक टिपिकल एग्जाम्पल है किसका, ट्राइसैकेराइड का। इज अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस एज फॉलोज, अब इसका हाइड्रोलाइसिस देख लेते हैं। ठीक है, इस बेटा इसके नीचे नाम गलत लिखवा रहा है, इसे नाम को सही कर लेंगे, ये रेफिनोज लिखना है आपको। ठीक है, जो नाम लिखवा रहा है इसका ये कैसा है, गलत लिखवा रहा है, ये नाम आपको सही करना है। सुक्रोज की जगह क्या लिखना है, रेफिनोज। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारे पास में बन जाएगा कौन, एक ग्लूकोज, एक मोल फ्रक्टोज और एक मोल गैलेक्टोज। ठीक है, अगर हम एक मोल सुक्रोज लेंगे और इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमारे पास में बन जाएगा एक ग्लूकोज, एक मोल ग्लूकोज, एक मोल फ्रक्टोज और एक मोल गैलेक्टोज। बात करेंगे अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक की। तो नेक्स्ट हमारे पास में है थर्ड पॉइंट इसका, टेट्रासैकेराइड। ठीक है, सेम चलेगा, टेट्रासैकेराइड भी इसके जैसा ही है, वो भी हमारा इसी टाइप से क्लियर हो जाएगा। तो टेट्रासैकेराइड हमारा इसकी लास्ट हेडिंग भी है। टेट्रासैकेराइड में देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। द कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव फोर यूनिट्स ऑफ द सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स आर कॉल्ड टेट्रासैकेराइड्स। जो हमारे पास में टेट्रासैकेराइड्स होता है ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, फोर यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स से। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है किसमें, फोर यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स में। अब इसके हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, ये हमारे पास में कौन सा है, स्टाइचोरोज। ठीक है, स्टाइचोरोज ये हमारे पास में इसका एक एग्जाम्पल है। आइए इसकी जो थ्योरी हमारे पास में लिखी हुई है इसे भी क्लियर कर लेते हैं। द मोलिक्यूल ऑफ ए टेट्रासैकेराइड इज मेड ऑफ द फोर मोनोसैकेराइड यूनिट विच गेट सेपरेटेड व्हेन द मोलिक्यूल इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस। जब हम इसे हाइड्रोलाइसिस करेंगे किसे, टेट्रासैकेराइड को, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये फोर मोनोसैकेराइड मोलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ टेट्रासैकेराइड आर स्टाइचोरोज, ये हमारे पास में है C24H42O21 इज ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ ए टेट्रासैकेराइड, और ये टिपिकल एग्जाम्पल हमारे पास में किसका, टेट्रासैकेराइड का। इज अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस एज फॉलोज,
अब इसका हमारे पास में रिएक्शन इसके हमने ली हुई है किसकी, स्टाइचरोज की, और हमने इसका हाइड्रोलाइसिस करा रखा है। हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमें इसमें मिलता है, अगर हम एक मोल स्टाइचरोज स्टाइचरोज का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें मिल जाएगा इसमें वन मोल ग्लूकोज, वन मोल फ्रक्टोज और वन मोल सॉरी टू मोल गैलेक्टोज। यार बच्चों आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही रहेगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा, और टेलीग्राम का हमारा जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, नीचे ही मिल जाएगा। इसे आपको क्या काम करना है, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जो भी आपके नोट्स होंगे वीडियो लेक्चर के वे आपको इस केमिस्ट्री वाले ग्रुप में ही मिलेंगे, जो वीडियो का लेक्चर है ये आपको फिजिक्स वाले ग्रुप में भी मिल जाएगा और इस वाले ग्रुप में भी मिल जाएगा, मगर जो नोट्स होंगे आपके केमिस्ट्री के वो आपको इस ग्रुप में ही मिलने वाले हैं जो आपका केमिस्ट्री का है। तो जो लिंक मैंने आपको नीचे दिया हुआ है टेलीग्राम का, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।